हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन हेल्थ केयर में। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमने जिम शुरू किया है और हमारे बाल अपने आप ही झड़ने लग गए, और गाइस बहुत से लोगों के तो गंजापन भी आना शुरू हो गया। गाइस ये क्यों होता है ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं बालों से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जो जानना आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों मैं इसके आपको तीन कारण बताऊंगा। तो पहला कारण ये है, तो देखिए दोस्तों बाल बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण होता है एनर्जी बढ़ाने के लिए लिया गया स्ट्रॉ या ड्रिंक। तो दोस्तों होता क्या है, जो ड्रिंक आप लेते हो एनर्जी बढ़ाने के लिए वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, और दोस्तों टेस्टोस्टेरोन शरीर में डीएसटी के लेवल को बढ़ा देता है। और दोस्तों ये डीएसटी हमारे बालों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों ये डीएसटी वहां जमा हो जाता है जहाँ खून का बहाव बहुत कम होता है। तो देखिए दोस्तों जैसे हम स्थिर खड़े हैं तो हमारा खून का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो हमारे ये सिर पर बैठ जाता है, और जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ये बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचने देता, जिससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप डीएसटी को ब्लॉक कीजिए। और डीएसटी कब ब्लॉक होगा, जब आप ये अपनी गंदी आदत छोड़ दोगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप अपने बालों को दोबारा रीग्रो करना चाहते हो तो आपको उन कारणों को छोड़ना होगा जिससे आपके हेयर फॉल हो रहा था। तो गाइस अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेना छोड़ दोगे तो आप अपने डीएसटी के लेवल को मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा रीजन क्या होता है कि देखना दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं तो वो सबसे पहले हमारी शरीर के मुख्य अंगों तक पहुंचते हैं, जैसे हमारी किडनी होगी, लीवर हो गए, हृदय हो गए और मस्तिष्क हो गए। और गाइस जो बचा बचा कुचा जो न्यूट्रिशन होता है वो ही हमारे बालों तक पहुंच पाता है। तो देखिए दोस्तों आप जिम में ये बढ़ाने के लिए कसरत करते हो, खूब चेस्ट बढ़ाने के लिए कसरत करते हो और ये शोल्डर बढ़ाने के लिए कसरत करते हो, दोस्तों आप अपने बालों के लिए क्या करते हो? बल्कि उस टाइम आपका शरीर बहुत ही ज्यादा हीट होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो गाइस अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने बालों के लिए क्या करते हो? गाइस आप अपने एक सेट में एक सेट बालों का भी जरूर जोड़ें। वो सेट क्या होता है, वो एक्सरसाइज क्या होती है, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। आप इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप अपने जो डीएसटी को मेंटेन कीजिए, और आप अपने जो सेट मारते हो डेली जिम में जाके, आप उसमें एक सेट बालों के लिए भी जोड़िए, जिससे आपके बाल रीग्रो हो जाए और झड़े नहीं। और दोस्तों तीसरा कारण हो सकता है पानी की कमी। देखिए दोस्तों जैसे इंजन होता है ना, इंजन चलते चलते गर्म हो जाता है तो उसमें पानी डाल डाल के हम उसको ठंडा करते हैं, ठीक जिम करते टाइम आदमी का शरीर भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखिए कि जब आप वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, तो आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपका शरीर ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म शरीर भी बहुत नुकसानदायक देता है। वैसे तो आपकी बॉडी बना देगा ये शरीर, आपको मजा आएगा जिम करने में, लेकिन आप इसके नुकसान को नहीं जानते शायद। गाइस ज्यादा गर्म शरीर से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, और इसमें एक होता है हेयर को बालों का झड़ना भी। तो दोस्तों आप जब जिम करो तो थोड़े थोड़े समय अंतराल में पानी पीते रहिए, और अपने शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होने दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर जो कोई आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हेयर बाल झड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस कारण को खत्म करना होगा या छोड़ना होगा जिससे आपके हेयर लॉस या बाल झड़ रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आप इन गंदी आदत को नहीं छोड़ोगे तो तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आपके बालों को झड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई खासकर जिम वाले बंदे तो ये ध्यान रखें, क्योंकि जब आप जिम करते हो आपका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे आपके बाल झड़ सकते हैं। और दोस्तों
ये एनर्जी स्ट्रो है। सोचो कि कुछ और ले, इसके चक्कर में मत पड़िए आप, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल गंजापन ला सकता है आपके शरीर पे, एनर्जी स्ट्रो जो लेते हो आप। क्योंकि दोस्तों आप दुनिया भर का शरीर बना लो और आपके सर पे बाल ही नहीं होंगे, तो सोचो कैसा लगेगा आपका शरीर। तो यार इतने तो करना पड़ेगा आपको। एनर्जी स्ट्रो के अलावा आप क्या ले सकते हो, आप ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टिप्स लाता रहता हूँ जो जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।